और आप कार्यकर्ता सोनी की खुदकुशी मामले में बीजेपी दिल्ली बीजेपी ने मुख्यमंत्री केजरीवाल के घर के बाहर प्रदर्शन किया है। और वहीं बरसाती नालों की कथित सफाई में भ्रष्टाचार को लेकर भी बीजेपी नेता विजेंद्र गुप्ता धरने पर बैठे हैं। पूरी खबर बता रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया संवाददाता अभिनव उपाध्याय। आम आदमी पार्टी की सरकार एक बार फिर से विपक्ष के गंभीर आरोपों में घिरी हुई है। विपक्ष के नेता विजेंद्र गुप्ता जो है वो धरने पर बैठे हुए हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के ठीक बाहर ये धरना यहाँ पर किया जा रहा है। मुख्य बातें जो यहाँ पर होर्डिंग्स के जरिए हम देख पा रहे हैं, आम आदमी पार्टी की कार्यकर्ता सोनी जिसकी मौत हुई है, जिसने खुदकुशी की है, उसे न्याय नहीं मिला। एक तो मुद्दा ये वाला हो गया और दूसरा पहले से ही ऐलान किया था विजेंद्र गुप्ता ने कि पीडब्ल्यूडी के जो बरसाती नाले हैं इनकी सफाई में जो भ्रष्टाचार हुआ है उसकी जांच के लिए यहां पर आकर के बैठे हुए हैं। अच्छी खासी तादाद में यहां पर कार्यकर्ता नेता मौजूद है और कुछ इस तरह के होल्डिंग जो है ये यहां पर लेकर के रखे हैं। ये व्हाट्सएप ग्रुप का फोटो है सोनी शर्मा सोनी का, जिसमें उसने अपनी बातें यहाँ पर लिख करके रखी है। और बीजेपी नेता ओपी शर्मा ने केजरीवाल सरकार पर हमला बोला। शर्मा के मुताबिक केजरीवाल सरकार में महिला उत्पीड़न की घटनाएं बढ़ी हैं। आज केजरीवाल और केजरीवाल जी के गुंडे गली गली में आज जो नंगा नाच नाच रहे हैं, 10 से ऊपर एमएलए हैं जो नारियों के प्रति अत्याचार के मामले में जिनके खिलाफ एफआईआर लिखी गई है। अगर हम उनके मंत्री की बात करें, एक्स मंत्री की बात करें, गर्भवती महिला पे कुत्ते छोड़ना, अफ्रीकन मूल की महिला का यूरिन टेस्ट करने के नाम पर उससे दुर्व्यवहार करना और इंटरनेशनल साइट पे पोर्न साइट चलाना, और अब चौथी रिपोर्ट उनके खिलाफ, ये एडिक्शन है इनको, ये नारियों के प्रति इनके सम्मान का जो प्रतीक। तो मैं पूछना चाहता हूँ केजरीवाल जी से, वो भारती जी के बारे में क्या कहना चाहते हैं।